नमस्कार दोस्तों मैं पवन दादी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी पे जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से ही है आपके सामने कैलेंडर का टाइप फाइव लेकर दोस्तों टाइप फोर तक तो अभी तक हमने सीखा है कुछ डेट दे रखी थी उनके डे कैसे निकालते हैं अलग अलग ईयर की डेट दे, दे रखी थी अलग अलग डे कैसे बिल्कुल डिफरेंट पार्ट आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों तो क्वेश्चन से आपके सामने देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपको दिया टाइप फाइव में टाइप फाइव हमारा स्टार्ट हो चुका दोस्तों टाइप 5 के अंदर आपको दिया है इफ 2 डेज बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे देन व्हाट विल बी देन व्हाट विल बी 4 डेज आफ्टर टुमारो क्या बोला दोस्तों यदि बीते हुए कल से दो दिन पहले गुरुवार था एक तो बेसिक तरीका बताता हूं दोस्तों आपको कि अगर अपने को कुछ भी ट्रिक याद नहीं होए तो बेसिक तरीका हमें एग्जाम के अंदर पता होना चाहिए और अगर हमें डायरेक्ट पता हो हम फटाफट से कैसे निकालते हैं, वो दोनों तरीके में बता देता हूँ आपको सबसे पहले बेसिक चीज बताता हूं इसने बोला बीते हुए कल से दो दिन पहले भाई ये आज है आज से बीता हुआ कल मतलब एक दिन पहले था बीता हुआ कल एक दिन पहले था अब देखें। कल से दो दिन पहले एक दो यहां पे क्या था दोस्तों यहां पे था गुरुवार क्या था गुरुवार था तब आने वाले कल के चार दिन बाद में क्या होगा आने वाला कल और उसके चार दिन बाद मतलब वन टू थ्री फोर यहां पे कौन सा डे होगा हमें यह बताना है दोस्तों अब देखिएगा कितने दिन होते हैं गुरुवार से अगर काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ देखिए कोई भी डे है जैसे आज अगर सोमवार है तो अगले सात दिन बाद में इसमें सात दिन ऐड कर देंगे तो हमारा अगला बार सोमवार आ जाएगा अगला बार सोमवार आ जाएगा वैसे ही इन सबको आगे वालों को टोटल करते एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ ये आठ दिन हो गए दिन तक दिन तक तो सोमवार आ चुका है लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा है दोस्तों हमें क्या करना है आठ में सात का भाग दे लीजिए एक दिन यहाँ पे क्या बच जाता है शेष बच जाता है शेष एक दिन एक दिन शेष बच जाता है मतलब कि गुरुवार में कितना जोड़ना दोस्तों हमें गुरुवार में सिर्फ और सिर्फ एक दिन जोड़ना है दोस्तों कितना हो जाएगा ये शुक्रवार आ जाएगा एक दिन जोड़ना मतलब अगला दिन आंसर आ जाएगा ये हमारा आंसर ये तो एक बेसिक तरीका है दोस्तों इसी चीज को डायरेक्ट और फास्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता हूं अभी देखिए यदि बीते हुए कल से अब इनको क्या करना हमें डेज को काउंट करना बीते हुए कल से कितना दिन हुआ कल एक दिन हुआ दोस्तों दो दिन पहले तो ये दो दिन ये और एड कर लीजिए कितना हो गया प्लस टू गुरुवार था तब आने वाले कल आने वाला कल एक दिन और जोड़ जोड़ लीजिए लीजिए के चार 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 दिन दिन बाद बाद में में और हो गया दोस्तों ये भी चार जोड़ बाद में क्या वार होगा ये हमें बताना तो देखिए यहाँ से चार एक पांच और तीन कितना हो गया दोस्तों आठ हो गया और आठ में जब सात का भाग लगाएंगे दोस्तों तो शेष फल कितना बचेगा एक दिन शेष बचेगा या एक दिन अतिरिक्त आएगा एक दिन रिमाइंडर बचेगा या एक दिन एक्स्ट्रा होगा दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा होने का मतलब जब गुरुवार था हमारे पास में उस दिन तो उसमें एक दिन क्या कर देंगे प्लस कर देंगे मतलब अब क्या आ जाएगा हमारा वार आ जाएगा दोस्तों शुक्रवार आ जाएगा ये चीज समझ आई सभी को दो तरीके हमारे पास में ये एक बेसिक तरीका है अगर हमें कुछ भी इस टाइप से पता नहीं हो तो हम ये तरीका तो बिल्कुल बेसिक अपना ही सकते एग्जाम में और डायरेक्ट अगर फास्ट कर सकते तो ये मेथड बेटर रहेगा हमें लोगों को पछाड़ना है दोस्तों लोगों से आगे निकलना है हमें जल्दी सेलेक्शन लेना जो जितनी मेहनत करेगा दोस्तों जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी वो जल्दी सेलेक्शन लेगा तो हमें चीजें बिल्कुल बेटर सीखनी है जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर पाए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पैसे दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा बोला है देखिए अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को हो सके कोई दिक्कत आई हो समझ नहीं आया हो थोड़ा सा संयम रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको आ जाएगा मैं एक ही टाइप के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा अलग 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 तो आपको जरूर एक में नहीं आया दूसरे में आ जाएगा दूसरे में नहीं आएगा तीसरे में आ जाएगा दोस्तों संयम अपने को रखना पड़ेगा और वीडियो को क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों लाइक करना नहीं भूले देखिए एक डे बिफोर यस्टरडे यस्टरडे से पहले फ्राइडे था विल बी दर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो क्या बोला दोस्तों यदि परसों शुक्रवार था यदि परसों शुक्रवार था मतलब आज एक दो यहाँ पे क्या था शुक्रवार था भाई परसों की बात आ रही है तो परसों की बात कर उससे पहले वाला परसों हो गया तो आगामी परसों के बाद आगामी परसों परसों कल नहीं उसके बाद तीसरा दिन एक, दो, तीन, क्या होगा हमें ये बताना है तो अब देख लीजिए शुक्रवार के बाद में दिन काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात हो गए दोस्तों तो यहाँ पे अगर शुक्रवार है और इसमें अगर हम सात ऐड करेंगे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सात दिन ऐड कर देंगे दोस्तों इसमें तो सात दिन ऐड करने पे भी हमारे पास में क्या आएगा दोस्तों शुक्रवार ही आएगा क्या आंसर आ जाएगा हमारा शुक्रवार आएगा फ्राइडे आएगा इसी चीज को और कैसे कर सकते हैं दोस्तों देखिए परसों भाई बीता हुआ कल यदि परसों शुक्रवार था मतलब बीते हुए परसों की बात हो रही है तो कल और परसों दो दिन हो गए दोस्तों प्लस ये परसों दो दिन हो गए आगामी परसों ये भी दो दिन हो गए भाई आने वाला कल और परसों दो दिन हो गया दोस्तों उसके बाद बोला आपसे तीसरा तीसरा दिन 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 मतलब तीन दिन और तो कितने हो गए दोस्तों टोटल मिला के हमारे पास में सात दिन हो गए और सात में सात का भाग लगाते तो जीरो शेष बचता है कोई भी डे एक्स्ट्रा नहीं बचता दोस्तों कोई भी डे एक्स्ट्रा नहीं बचता तो सात में शुक्रवार में जब जीरो जोड़ेंगे दोस्तों तो शुक्रवार ही आएगा फ्राइडे हमारा आंसर हो जाएगा तो आप फास्ट आंसर ऐसे दे सकते हैं और बाकी बेसिक तरीका तो आपके सामने है ही है दोस्तों लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये इसमें आपसे बोला है सुरेश वॉज बॉर्न ऑन फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन सुरेश का जन्म दोस्तों सुरेश का जन्म कब हुआ चार अक्टूबर नाइनटीन अब देखिए दोस्तों आगे बोला है शशिकांत वॉज बोर्न सिक्स डेज बिफोर सुरेश मतलब कि सुरेश का जब भी बर्थ जन्म हुआ दोस्तों उससे उससे दिन पहल उस दिन पहले पहले किसका जन्म हुआ दोस्तों शशिकांत का हुआ शशिकांत का अब देखिए दोस्तों आगे बोला है आपसे अच्छा बस सिक्स डेज़ बिफोर सुरेश, इंडिपेंडेंस डे ऑफ ईयर फेल ऑन संडे उस दिन मतलब उस साल 1999 में जो इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस था वो कब कब था संडे को था विच डे वॉज शशिकांत बोर्न सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था शशिकांत का जन्म सुरेश से छह दिन पहले हुआ दोस्तों उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस जो था रविवार को पड़ा था शशिकांत किस दिन जन्मा था हमें दोस्तों ये बताना है अब देखिए बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूं हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी को काम में लेना दोस्तों क्या बोला सुरेश का जन्म चार अक्टूबर और उससे छह दिन पहले शशिकांत का जन्म हुआ और उस दिन उस साल जो पंद्रह अगस्त है दोस्तों पंद्रह अगस्त इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस बच्चा भी बता देगा दोस्तों पंद्रह अगस्त और ये क्या था उन्नीस सौ निन्यानवे था दोस्तों और इस दिन क्या वार था रविवार था संडे था दोस्तों क्या था रविवार था उस दिन आगे बोला शशिकांत किस दिन जन्मा था तो देखिए पंद्रह अगस्त से हमें पहले जाना है अच्छा निकालना किसका शशिकांत का तो पहले चार अक्टूबर हमें डेट दिए तो एक बार चार अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी नाइन तक चले जाइए या फिर इसमें से छः दिन माइनस कर लेंगे तो चार अक्टूबर में से छः दिन माइनस करेंगे अट्ठाईस सेप्टेम्बर की डेट निकाल सकते हैं आप ऐसा कर लीजिए भले ही सुरेश का जन्म चार अक्टूबर को हुआ था उसमें से माइनस छः कर दीजिए क्योंकि चार दिन पहले शशिकांत का बर्थडे था तो चार दिन पहले छ सॉरी दिन पहले माइनस इसमें से कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों दिन माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में। 28 सेप्टेंबर उन्नीस सौ निन्यानवे अट्ठाईस सेप्टेंबर आ जाएगा दोस्तों देखिए चार दिन अक्टूबर के सेप्टेंबर तीस का होता तो तीस और उन्तीस दो दिन वहां से उड़ा दिया अट्ठाईस सेप्टेंबर आ गया अब डेट निकालनी है हमारे पास में अट्ठाइस सेप्टेंबर आ चुकी है डेट और उस दिन का डे हमें निकालना है दोस्तों तो पंद्रह अगस्त अगस्त से हम देखेंगे अगस्त से सितंबर तक चलेंगे दोस्तों तो अगस्त में देखिए पंद्रह दिन तो निकल चुके पंद्रह अगस्त मतलब पंद्रह दिन निकल चुके हैं अगस्त टोटल इकतीस दिन का होता है दोस्तों बचे कितने हैं वहां से सोलह दिन बचे हैं दिन बचे कितने हैं दोस्तों दिन बचे हैं सोलह दिन उसके बाद में देखिए अट्ठाइस सेप्टेम्बर तो यहां पे तो अट्ठाइस पूरा काउंट होगा दोस्तों अब यहां से सात का भाग लगाएंगे तो एक्स्ट्रा दिन हमारे पास में आएगा एक्स्ट्रा दिन आएगा अतिरिक्त जिसे बोलते हैं दोस्तों अतिरिक्त दिन आएंगे सात का भाग लगाएंगे कितना शेष बचेगा दो यहां से शेष कितना बचेगा जीरो तो टोटल एक्स्ट्रा डेज हमारे पास में अतिरिक्त दिन कितने आ गए दोस्तों दो दिन एक्स्ट्रा आ गए दो दिन एक्स्ट्रा आ गए अतिरिक्त दिन और यहां से जब दो दिन जोड़ देंगे दोस्तों रविवार के अंदर तो हमारे सामने क्या आ जाएगा रविवार में जब दो दिन ऐड करेंगे तो सोम और मंगल क्या आ जाएगा दोस्तों ट्यूजडे आ जाएगा यही हमारा आंसर होगा पूछा क्या था शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था बिल्कुल शशिकांत का जन्म जो है दोस्तों ट्यूजडे को हुआ था मंगलवार को हुआ था तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्यूजडे ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा लिए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका आपको बोला है दोस्तों इनडिपेंडेंस डे इनटीन एटी एट वॉज ऑन स डे ऑन वर्थ डे वॉज इट सेलिब्रेटेड इन दर नाइनटीन एटी नाइन क्या बोला दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है उन्नीस सौ अठासी में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को था स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे दोस्तों हमेशा पंद्रह अगस्त को आता बच्चे को भी बताया दोस्तों और ये उन्नीस सौ अट्ठासी नाइनटीन एटी एट के अंदर किस दिन था दोस्तों बुधवार को था बुधवार को था हमें ये बताना है कि वर्ष नाइनटीन एटी नाइन में किस दिन मनाया गया 1989 के अंदर 15 अगस्त किस दिन मनाया गया था हमें ये बताना है दोस्तों ये डे बताने के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ से देखेंगे कि ये लीप ईयर है लीप ईयर की फरवरी बीच में आ रही है क्या फरवरी बीच में नहीं आ रही क्योंकि फरवरी तो पीछे रह चुकी है अगस्त से हमें काउंट करना अगस्त से काउंट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में प्रवेश करते हैं नेक्स्ट साधारण वर्ष में या फिर नॉर्मल ईयर से डायरेक्ट अगले नॉर्मल ईयर में प्रवेश करते हैं दोस्तों तो एक दिन आपका एक्स्ट्रा बढ़ता है एक दिन बढ़ता है और यहाँ पे भी अगर फरवरी बीच में नहीं आ रही है तो कितना दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा मतलब कि बुधवार से क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस वन करेंगे तो गुरुवार हमारा आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार जिसको बोलते हैं दोस्तों थर्सडे बोलते हैं जिसे इंग्लिश में केवल एक दिन बढ़ेगा अगर यहाँ पे फरवरी बीच में आती नाइनटीन की तो हम दो दिन बढ़ाते जबकि फरवरी बीच में नहीं आ रही है तो नॉर्मल ईयर का ही काम करेगा क्योंकि फरवरी में ही एक दिन एक्स्ट्रा होता है दोस्तों उनतीस दिन फरवरी में होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा वहीं पे हमें मिलता है यहाँ पे तो फरवरी बीच में नहीं आ रही है इसीलिए हमने प्लस वन कर लिया है एक सिंपल ईयर से एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में प्रवेश करेंगे दोस्तों एक ऑर्डिनरी से दूसरे ऑर्डिनरी ईयर में प्रवेश करेंगे तो हमेशा एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा तो बुधवार के अंदर एक जोड़ा हमारा आंसर आ गया दोस्तों गुरुवार चलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों आपको बोला है ए थ्री डेज बिफोर यस्टरडे वॉज वेडनेसडे वट विल बी टू डेज आफ्टर टुमारो क्या बोला दोस्तों यदि बीते हुए कल से तीन दिन पहले बुधवार था बीता हुआ कल 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 हो गया दोस्तों एक दिन कल हो गया एक दिन प्लस तीन दिन ये हो गए दोस्तों तीन दिन हो गए पहले बुधवार था बीते हुए कल से तीन दिन पहले कहा क्या था दोस्तों बुधवार था बुधवार था अब आगे बोला आगामी कल आगामी कल एक दिन और जोड़ लीजिए दोस्तों ये आगे आने वाला कल आगामी कल जो है दोस्तों एक दिन ये भी जोड़ लीजिए के दो दिन बाद में दो दिन बाद दोस्तों ये भी जोड़ लीजिए कौन सा दिन होगा हमें ये बताना है बिल्कुल सिंपल सा तरीका दोस्तों इन सबको ऐड कर लीजिए तीन एक चार एक पांच और दो सात हो गया टोटल मिला के सात हो गया और सात में सात का भाग लगाते तो दोस्तों जीरो शेष बचता है मतलब कि जो दिन यहाँ पे था बुधवार वही अगला हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा कुछ भी उसमें चेंज नहीं आएगा दोस्तों लिए चलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है आपको बोला है दोस्तों मोहिनी वेंट टू मूवीज नाइन डेज अगो मोहिनी नौ दिन पहले मूवी देखने गई सी गोज टू मूवीज ओनली ऑन थर्सडे केवल और केवल थर्सडे को मूवी देखने जाती है वॉट डे ऑफ द वीक इज टूडे देखिए नौ दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई हमें नहीं पता कि कब गई लेकिन हम तो आज से ही मानेंगे आज से नौ दिन पहले अगर वो गई है सिनेमा देखने तो वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है इसने ये भी क्लियर बोला है कि वह जब भी सिनेमा देखने जाती है दोस्तों तब उस दिन बृहस्पतिवार होता है मतलब कि क्या होता है दोस्तों थर्सडे होता है थर्सडे होता है आगे बोला है आज सप्ताह का कौन सा दिन है भाई नौ दिन पहले गई है तो नौ में से अगर सात माइनस कर लेते दोस्तों क्योंकि सात इसीलिए माइनस करते हैं नौ दिन पहले गई है उसमें जब सात दिन बाद आएगा तो सेम डे आएगा भाई किसी दिन सोमवार है अब इसमें अगले सात दिन बाद में वापस सोमवार आएगा अगले सात दिन बाद में वापस सोमवार आएगा ना अगले सात दिन बाद में वापस सोमवार आएगा तो नौ के बाद में सात दिन जैसे ही उसमें से निकलेंगे दोस्तों तो पीछे दो दिन एक्स्ट्रा बचेंगे अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे दोस्तों अतिरिक्त दिन बचेंगे दो अब वो थर्सडे को जाती है तो मान लो नौ दिन पहले जब वो गई थी उस दिन थर्सडे था उस दिन क्या था दोस्तों थर्सडे था तो आज क्या वार हो जाएगा आज हो जाएगा दो दिन उसमें जोड़ दीजिए थर्सडे में थर्सडे में दो दिन जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा फ्राइडे और सैटरडे क्या आंसर आ जाएगा आपका शनिवार आंसर आ जाएगा दोस्तों बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा शनिवार फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट right हो जाएगा तो लिए चलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों आपको बोला है फिफ्थ ऑफ मंथ फॉल्स टू डेज आफ्टर मंडे व्हाट डे ऑफ द मंथ विल प्रीशीड नाइनटीन ऑफ इट क्या बोला है किसी मास की पांच तारीख को सोमवार के किसी मास की पांच तारीख सोमवार के दो दिन बाद आती है भाई पांच तारीख सोमवार के दो दिन बाद में आती है सोमवार के दो दिन बाद में मतलब सोमवार में जब दो जोड़ेंगे एक दिन ये हो गया एक दिन ये हो गया मान लो ये तीन तारीख क्यों थी तो चार और पांच को क्या हो जाएगा दोस्तों मंगल, जाएगा दोस्तों। मंगल के बाद में हो जाएगा बुधवार क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा किसी मास की पांच तारीख सोमवार के दो दिन बाद में आती है तो पांच तारीख को हो गया बुधवार तो उस मास की 19 तारीख से पहले कौन सा वार आएगा 19 तारीख से पहले देखिए दोस्तों कोई भी डे है आपका उसमें जब अगले सात दिन जोड़ेंगे तो उस दिन भी क्या होगा बुधवार होगा उसमें और सात दिन जोड़ेंगे दोस्तों तो फिर 19 तारीख को भी क्या आएगा दोस्तों बुधवार आएगा 19 को जब बुधवार है तो इसने बोला 19 तारीख से पहले कौन सा दिन था तो 19 तारीख से पहले जब 19 को बुधवार है तो उससे पहले कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों बच्चा भी बता देगा बुधवार से पहले मंगलवार आता है, मतलब आता है है मतलब कि ट्यूसडे दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है आपको आपको बोला है दोस्तों भूपेश इज फाइव ट्रिपल फाइव डेज ऑल्डर देन दीपक एंड दीपक समझिएगा दोस्तों दिन भले ही बड़े दे रखे हमें चार सौ पचपन दिन पांच सौ पचपन दिन लेकिन सिंपल क्वेश्चन इसके जैसा तो है ही नहीं दुनिया में अभी देखिएगा भूपेश दीपक से पाँच सौ पचपन दिन बड़ा है भूपेश दोस्तों दीपक से पांच सौ पचपन दिन बड़ा है दीपक से 555 दिन बड़ा है मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 555 दिन आ जाएगा आगे आपसे बोला है दीपक हरीश से 455 दिन छोटा है हरीश से 455 दिन छोटा है दीप हरीश से 455 दिन छोटा है कौन दीपक कितना छोटा है 455 दिन अब देखिएगा दोस्तों आपको क्या बोला है अगर हरीश का जन्म मंगलवार को हुआ हरीश का जन्म जब भी होता है दोस्तों जब भी उसका जन्म हुआ उस दिन मंगलवार था कब हुआ हमें नहीं मतलब हमें इतना पता है कि जब भी उसका जन्म हुआ था जिस दिन भी जन्मा था वो उसका बर्थडे मंगलवार को था तो भूपेश का जन्म कब हुआ भूपेश का जन्म हमें बताना दोस्तों इसका जन्म कब हुआ ये बताना है अब देखिएगा सबसे पहले अब इतने बड़े दिन है दोस्तों इतने बड़े दिन है तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले उसका बनाना पड़ेगा भाई दिन तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे हमें टाइम लग जाएगा इतना टाइम हमें मिलता नहीं है हम क्या करेंगे इसमें सात का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों सेसफफल क्या बचेगा हमें उससे मतलब है क्योंकि कितनी बार जाएगा वो तो सात दिन तो चले गए हर सात दिन बाद में सेम डे आता है दोस्तों तो सात का भाग जितनी बार जाएगा उससे तो मतलब नहीं सात का भाग कितनी बार चला जाएगा उन बचेगा और पैंसठ हो जाएगा नौसठ हो जाएगा दो शेष बचेगा दोस्तों से कितना बचेगा दोस्तों दो बचेगा ये दोस्तों भागफल है जितनी बार भाग जाएगा दो हमारे पास में एक्स्ट्रा दिन आएंगे यहाँ से जब हम सात का भाग लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ से देखिए कितना जाएगा छः सातो बयालीस और तीन पांच सात पैंतीस ये तो पूरा पूरा चला गया तो शेष फल यहाँ से कितना बजेगा दोस्तों शेष फल बच जाएगा यहाँ पे जीरो बच जाएगा क्या शेष फल बच जाएगा जीरो बच जाएगा तो दीपक और हरीश शेष फल जीरो बचने का मतलब इन दोनों का जन्म क्या है दोस्तों इन दोनों का जन्म एक ही दिन होगा एक ही दिन होगा ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है इतने दिन का गेप जरूर है इनके बीच में सप्ताह का गेप है दोस्तों ये पैंसठ सप्ताह आया ये क्या है सप्ताह है सप्ताह प्लस दो दिन ये अतिरिक्त है दोस्तों दो दिन क्या है अतिरिक्त हो जाएंगे दो दिन अतिरिक्त हो जाए सेवनटी नाइन सप्ताह और दो दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है पैंसठ सप्ताह है दोस्तों पैंसठ सप्ताह है और जीरो दिन अतिरिक्त अब देखिए हमें पता है कि हरीश का जन्म मंगलवार को होता है हरीश का मंगलवार को होता है तो दीपक का भी कब होएगा दोस्तों दीपक का भी बर्थडे जो है मंगलवार को ही आता है दीपक का भी बर्थडे मंगलवार को ही आता है दोस्तों क्योंकि हमें बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है कि शेषफल यहाँ से जीरो बचा है मतलब इन दोनों का एक ही दिन बर्थ हुआ है एक ही दिन जन जन्मे हैं दोनों इसीलिए इसका शेषफल जीरो आ रहा अब भूपेश तो देखिए ये दो दिन एक्स्ट्रा आए दो दिन दीपक से भूपेश बड़ा है इसीलिए एक्स्ट्रा आए दो दिन भूपेश दीपक से बड़ा है तो दो दिन दीपक से बड़ा है तो भूपेश का जन्म कब हुआ दोस्तों जब इनका मंगलवार को हुआ और इनसे दो दिन बड़ा है तो दो दिन जोड़ने नहीं है दोस्तों क्योंकि आज मेरा अगर आज के दिन मेरा जन्म होता है दो दिन अगर जोड़ूंगा तो मेरे बाद में जन्म होने वाला मुझसे हमेशा छोटा रहेगा और अगर कोई मेरा मेरे जन्म से दो दिन पहले कोई जन्म लेता है तो वो मुझसे दो दिन बड़ा होगा तो ये भी क्या होगा मंगलवार से दो दिन पहले जन्म लेगा मतलब दो यहां से माइनस करना है आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों रविवार आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं संडे बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों संडे बोलते हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा इसका स्क्रीन ले लीजिए दोस्तों अच्छे से समझिएगा इसे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ चुका है कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है ध्यान से करिएगा दोस्तों गलती नहीं करें भरत इज फोर फोर सिक्सटी एट डेज ओल्डर देन टीना एंड टीना इज ट्वेंटी एट वीक्स थ्री डे यंगर देन मीनू इफ मीनू वाज बोर्न ऑन थर्स डे देन व्हेन वाज भरत बोर्न ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को दोस्तों भरत टीना से चार सौ अड़सठ दिन बड़ा है भरत बड़ा है मतलब भरत में से माइनस करेंगे टीना की एज तो कितना बड़ा है दोस्तों चार दिन बड़ा है कितना बड़ा है चार दिन बड़ा है अब देखिए आगे क्या बोला टीना मीनू से अट्ठाईस सप्ताह तीन दिन छोटी है किससे छोटी है दोस्तों मीनू से टीना छोटी है मीनू से टीना छोटी है कितना अट्ठाईस सप्ताह और तीन दिन अट्ठाईस सप्ताह तीन दिन छोटी है दोस्तों टीना मीनू से अट्ठाईस सप्ताह तीन दिन छोटी है अब देखिए अगर मीनू का जन्म गुरुवार को हुआ तो भरत का जन्म कब हुआ मीनू का जन्म गुरुवार को हुआ हमें बिल्कुल डायरेक्ट बोला है कि मीनू जब भी बर्थडे जन्म लेती है दोस्तों उस दिन क्या था गुरुवार था था क्या था दोस्तों गुरुवार था उस दिन जब गुरुवार था तो हमें पूछा कि भरत का जन्म कब हुआ भरत का जन्म कब होता है दोस्तों हमें यह बताना है तो यहां से देखेंगे दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या करेंगे शाद का भाग लगाएंगे यहां से आएगा दोस्तों छह सात बयालीस चार बचा अड़तालीस में से सात का भाग लगाएंगे तो छह सातु बयालीस ये क्या हो गया सप्ताह हो गए अड़तालीस में से बयालीस जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों छह दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे तो छियासठ सप्ताह और छह दिन ये भरत बड़ा सिक्सटी सिक्स वीक और सिक्स डेज भरत बड़ा है टीना से और मीनू टीना से कितनी बड़ी है दोस्तों सप्ताह मतलब तो हम बता सकते हैं कि मीनू का जन्म जब गुरुवार को होता है तो उससे तीन दिन छोटी है टीना भाई सप्ताह तो पूरा चला गया सप्ताह से तो मतलब नहीं है अपने तो जो एक्स्ट्रा दिन होते है वही घटाने वही जोड़ने दोस्तों तो तीन दिन घटा लीजिए गुरुवार में से मतलब कि छोटी होने का मतलब गुरुवार के बाद में जन्म होगा टीना का दोस्तों तो गुरुवार के बाद में टीना का जन्म होगा दोस्तों मतलब कि ये क्या कर लेंगे हम इसमें प्लस तीन कर लेंगे छोटा होगा वो हमेशा आपने बाद में जन्म लेगा तो गुरु के बाद में शुक्र शनि रवि ये क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा दोस्तों रविवार को टीना का जन्म होता है तो अब देखिए दोस्तों टीना का रविवार को होता है तो भरत का कब होगा टीना से कितने दिन बड़ा सप्ताह को छोड़ दीजिए छह दिन बड़ा छह दिन बड़ा होने का मतलब हम क्या करेंगे भरत भरत का का जन्म जन्म हमें निकालना है दोस्तों कब हुआ तो यहां से दिन दिन माइनस करेंगे क्योंकि पहले जन्म है. या तो छह दिन माइनस कर दीजिए या एक दिन अगला ले लीजिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों सोमवार आ जाएगा बिल्कुल मंडे के दिन इसका जन्म हुआ है भरत का मंडे को इसका जन्म होता है भरत का आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको दिया दोस्तों अगर किसी माह की तारीख को शुक्रवार है तो इस माह में कुल कितने बुधवार आना संभव है बिल्कुल एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया है थर्ड ऑफ द मंथ इज फ्राइडे अगर तीन तारीख को क्या है तीन तारीख को दोस्तों फ्राइडे होता है शुक्रवार होता है तो बोला है देन हाउ मेनी वेडनेसडेज आर पॉसिबल इन दिस मंथ देखिए पॉसिबिलिटी दी है संभावना दी है मतलब उस महीने को अपने को जितना बड़ा कर सके उतना बड़ा करना है उस महीने को कितना मानना है मानना कितना है उस महीने को इकतीस दिन का मानना है इकतीस दिन का महीना मानना इकतीस दिन का मानना है, दोस्तों तो इकतीस दिन में हम देखेंगे बुधवार आना कितने संभव है तो फ्राइडे के पहले बुधवार कब था दोस्तों फ्राइडे के पहले देखिए गुरुवार था दो तारीख को और एक तारीख को देखिए दो तारीख को तो हो जाएगा गुरुवार और एक तारीख को हमारा क्या हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा जिसको हम बुधवार बोलते हैं दोस्तों एक तारीख को जब बुधवार था दोस्तों तो अब देखिए एक को बुधवार था उसमें प्लस सेवन करेंगे दोस्तों तो सात को बुधवार होगा प्लस सेवन करेंगे सॉरी आठ एक में सात जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा आठ सात पंद्रह और प्लस सेवन करेंगे पंद्रह तारीख को बुधवार होगा और प्लस सेवन करेंगे तो बाईस तारीख को बुधवार होगा दोस्तों और प्लस सेवन करेंगे दोस्तों तो को, ट्वेंटी नाइन को बुधवार हो जाएगा अब देख लीजिए यहां से कितने बुधवार आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच पांच बुधवार आ रहे हैं मतलब ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है दोस्तों इफ मई सेवन इज वेडनेसडे सात मई को क्या है दोस्तों सात मई को वेडनेसडे है वेडनेसडे मतलब बुधवार है सात मई को बुधवार है तो बताएं इस माह में कितने शनिवार होंगे इस माह में इस महीने में कितने शनिवार होंगे हमें ये बताना दोस्तों बिल्कुल मई का महीना दिया है तो मई में हमें पता है इकतीस इकतीस दिन होते हैं तो अब देखिए सात मई को बुधवार था हमें बताना है कितने शनिवार होंगे तो शनिवार सबसे पहले तो सात मई से पहले शनिवार कब था ये भी देख लीजिए इस महीने की बात हो रही है मई की तो अभी बुधवार है दोस्तों तो बुधवार से पहले शनिवार कब था हमें यह देखना है तो यहां से घटा लेंगे हम पीछे जाएंगे दोस्तों बुधवार के पहले छह तारीख को क्या था हमारा तारीख तारीख को को था मंगलवार और पांच हमारा क्या था दोस्तों पांच मई को था सोमवार और चार मई को हमारा क्या था दोस्तों संडे था रविवार था दोस्तों और तीन मई को क्या था दोस्तों तीन मई को था शनिवार था सैटरडे था हमें यही पूछा है कि शनिवार कितनी बार आएंगे तो सबसे पहले तो ये डे निकाल लीजिए शनिवार सात तारीख से पहले कब आया था जब सात को बुधवार था तो बुध मंगल सोम रवि शनि इसमें से कितने माइनस कर लेंगे या फिर आप आगे भी जोड़ लेते तो भी अपना हमारा आंसर आ जाता दोस्तों क्योंकि देखिए बुध के बाद में गुरु शुक्र शनि तीन दिन जब जुड़ रहे हैं तो चार दिन आप घटा दीजिए चार दिन घटा दीजिए तो आपका तीन तारीख को सात में से चार घटाएंगे तीन तारीख को क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा अब तीन तारीख को जब शनिवार था दोस्तों तो उसके अगले सात दिन बाद में उसके अगले दिन बाद में दस तारीख को शनिवार आएगा उसके अगले दिन बाद में सत्रह तारीख को शनिवार आएगा उसके अगले सात दिन बाद में दोस्तों चौबीस तारीख को शनिवार आएगा और फिर इकतीस तारीख को प्लस सात करेंगे इकतीस तारीख को शनिवार आएगा तो तीन सात दस सात सत्रह सात चौबीस और सात इकतीस पांच यहाँ पे देखिए बिल्कुल दिखाई दे रहे एक दो तीन चार पांच पांच यहाँ पे क्या आ जाएंगे दोस्तों शनिवार आ जाएंगे यही हमारा आंसर होगा बिल्कुल लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है क्वेश्चन में बोला है दोस्तों आने वाले कल से दो दिन बाद अगर सोमवार है क्या बोला है मंडे आफ्टर टू डेज फ्रॉम टुमारो देन वट वॉज द डे थ्री डेज बिफोर यस्टर डे बिल्कुल अभी मैंने बेसिक तरीका तरीक बताया था आपको क्या करना डेज काउंट करने कल हो गया दोस्तों दो दिन हो गया आगे क्या बोला है तो बीते हुए परसों से तीन दिन पहले कौन सा वार था तो बीते हुए परसों से यहाँ पे दो दिन हो गए तीन दिन ये हो गए सबको ऐड कर लीजिए एक दिन ये हो गया एक हो गया उसके बाद में दो दिन हो गए दोस्तों उसके बाद में देखिए दो दिन ये हो गए और तीन दिन ये हो गए कितने डेज हो जाएंगे दोस्तों दो एक तीन दो पांच और तीन आठ हो गए दोस्तों आठ हुए तो सात का भाग लगाएंगे एक दिन अतिरिक्त आएगा क्या आएगा एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा दोस्तों एक दिन अतिरिक्त आ जाएगा एक दिन एक्स्ट्रा आने का मतलब क्या हुआ हमें क्या करना है एक दिन उसमें जोड़ लेना है एक दिन उसमें जोड़ेंगे सॉरी दोस्तों जोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसने देखिए बाद का वार हमें दिया है बाद का सोमवार दिया है बाद का वार हमें बताना है पहले वाला वार बताना क्या बताना पहले वाला वार बताना है तो हमें एक दिन माइनस करना पड़ेगा दोस्तों जो ये एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है ना इसको माइनस करना पड़ेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सोमवार से पहले क्या आ जाएगा दोस्तों संडे आएगा डी हमारा आंसर हो जाएगा संडे हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको ये चीज ध्यान रखनी आपको बाद का अगर वार दिया है तो पहले का निकालना तो माइनस करना है और पहले का वार दिया है बाद का निकालना तो हमेशा प्लस करना है तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संडे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों बोला है इफ इट इज़ संडे आफ्टर थ्री डे फ्रॉम यस्टरडे देन विच डे विल बी फोर डे बिफोर द नेक्स्ट डे क्या पूछा है दोस्तों अगर बीते हुए कल से कल हो गया दोस्तों एक दिन आपका तीन दिन बाद तीन दिन ये हो गए अगर रविवार है दोस्तों बाद का दिया है पहले का पूछा तो आने वाले परसों से चार दिन पहले चार दिन यहाँ पे दिए दोस्तों कौन सा वार होगा इन सब को जोड़ लीजिए दोस्तों देखिए एक दिन ये हो गया उसके बाद में तीन दिन ये हो गए और उसके बाद में चार दिन ये हो गए टोटल मिला के आठ दिन हो गए दोस्तों आठ में सात का भाग लगाएंगे एक दिन एक्स्ट्रा आएगा दोस्तों एक दिन अतिरिक्त आएगा हमें ये देखना है कि इसने वार कौन सा दिया बाद का दिया दोस्तों और निकालना कौन सा पहले का निकालना बाद का दिया पहले का निकालना तो हमें यहाँ पे क्या करने करना पड़ेगा रविवार से एक दिन घटाना पड़ेगा रविवार के पहला दिन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सैटरडे शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा लिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है आपसे बोला है 2020 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा हमें यह बताना दोस्तों बिल्कुल एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों तो दोस्तों जब भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे पहले हमें एक चीज और यहां पे सीखनी पड़ेगी वो है आपका रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ये सीखना पड़ेगा हमें रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कैलेंडर का रिपीटेशन कब कब होता है ये चीजें हमें पता करनी है तो देखिए दोस्तों जैसा कि साल लेते हैं हम दो हजार बीस का दो हजार बीस का ईयर लेते हैं दो हजार बीस का वर्ष लेते हैं ये हमें पता दोस्तों ये क्या है हमारा लीप वर्ष है लीप वर्ष है इसमें देखिए इसके जस्ट बाद में हमें पता है दोस्तों दो हजार इक्कीस का साल आता है दो हजार बाईस का साल आता है दो हजार तेईस का साल आता है और इसके पहले देखे जाएं तो 2019 का साल आता है दोस्तों उससे पहले 2018 का साल आता है और उससे पहले 2017 का साल आता है अब कैलेंडर का रिपीटेशन हम कैसे देखेंगे दोस्तों यहाँ से देखिए 2020 का रिपीटेशन कोई भी आपको दोस्तों लीप ईयर दिया है तो उसका या तो 28 साल पहले या 28 साल बाद में एक चीज़ यहाँ पर नोट करूँगा दोस्तों अगर मैं प्लस करता हूँ तो उसका मतलब होता है बाद में बाद में या फिर हम बोलेंगे उसको आफ्टर क्या बोलेंगे आफ्टर बोलेंगे दोस्तों अगर मैं माइनस लिखता हूं उसका मतलब होता है पहले मतलब कि बिफोर ये चीज हमें पता रखनी है अब देखिए या तो 2020 का 28 साल पहले या 28 साल बाद में कैलेंडर रिपीट हुआ है मतलब कोई भी अपने को लीप ईयर दिया है दोस्तों तो ये चीज नोट कीजिएगा कोई भी अपने को लीप ईयर दिया है तो अगले अट्ठाईस साल बाद में जैसे दो हज़ार बीस का साल कब रिपीट होगा दोस्तों दो हजार अड़तालीस में रिपीट होगा या फिर पहले कब रिपीट हुआ होगा पहले नाइनटीन नाइन्टी टू में रिपीट हुआ होगा क्योंकि देखिए या तो अट्ठाईस साल पहले या अट्ठाईस साल बाद में उसका रिपीटेशन दिखता है मतलब दो हजार उन्नीस सौ बारानवे में रिपीट हुआ था फिर दो हजार बीस में हुआ था फिर दो हजार अड़तालीस में अब देखेंगे दोस्तों तो जब भी हमें साल दिखाई देता है वर्ष दिखाई देता है ली के बाद, ली के तुरंत तुरंत बाद बाद अगर कोई ईयर आता है दोस्तों तो वो छह साल बाद में रिपीट होता है मतलब कि 2021 का साल जो है दो में आपका रिपीट होगा कब होगा दोस्तों दो में रिपीट होगा अगर बात करते हैं दो की तो ये ईयर के तुरंत बाद नहीं ये वाला ईयर के जस्ट बाद में था ये ईयर के तुरंत बाद नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे ग्यारह साल बाद में रिपीट करेंगे मतलब दो हजार बाईस का जो साल है दोस्तों दो हजार तेतीस के अंदर रिपीट होगा कब होगा दो हजार तेतीस में रिपीट होगा उसके बाद की हम बात करते हैं दोस्तों दो हजार तेईस तो ये भी आपका बिल्कुल लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं है दोस्तों तो ये भी आपका जो साल है दोस्तों कब रिपीट होगा ग्यारह साल बाद में रिपीट होगा मतलब कि ये कब हो जाएगा दो हजार चौतीस में आपका रिपीट होगा अब देखिए आगे अब बात करते हैं दो हजार उन्नीस की 2019 की दोस्तों अगर बात करते हैं हम तो ये साल कब रिपीट होगा 2020 से 6 साल पहले कब क्योंकि लीप ईयर के तुरंत पहले या तुरंत बाद में तुरंत बाद वाला छः साल बाद में रिपीट होता है तुरंत पहले वाला छः साल पहले रिपीट हुआ और इससे पहले की बात की जाए तो ये 11 साल पहले रिपीट होगा मतलब 2018 में से 11 घटाएंगे दोस्तों तो 2007 में ये साल रिपीट हुआ है और इसकी बात करते हैं तो ये भी ग्यारह साल पहले रिपीट हुआ था जैसे इसको देखेंगे तो देखिए सत्रह में से ग्यारह घटाएंगे दो हज़ार छः के अंदर ये साल रिपीट हुआ दोस्तों और दो हज़ार अठारह की बात करते हैं तो ये भी दो हज़ार अठारह में से ग्यारह घटा लीजिए दोस्तों दो हज़ार अठारह में से ग्यारह घटाएंगे तो दो हज़ार सात में ये साल रिपीट हुआ है और बात करते हैं दो हज़ार उन्नीस की तो दोस्तों ये छः साल पहले रिपीट हुआ है मतलब दो हज़ार उन्नीस से छह साल पहले क्या हो जाएगा दो हजार तेरह के अंदर ये साल रिपीट हुआ है दोस्तों ये चीज हमें बिल्कुल बेसिक चीज है हमेशा पता होनी चाहिए दोस्तों कभी भी आपको नोट डाल के ये लाइन लिख लेना कि जब भी लीप ईयर दिया दोस्तों तो वो या तो अट्ठाईस साल पहले रिपीट हुआ है और वो अट्ठाइस साल बाद में रिपीट होगा और लीप ईयर के जस्ट पहले कोई ईयर है तो बिल्कुल छः साल पहले रिपीट हो रहा है बिल्कुल बाद में कोई ईयर दिया तो छः साल बाद में रिपीट होगा और बाकी वाले ग्यारह ग्यारह साल के डिफरेंस से रिपीट होंगे ये चीज़ का स्क्रीन ले लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों और दोस्तों इन्हीं कैलेंडर की बात की जाए तो देखिए जब 2006 वाले कैलेंडर की बात करेगा तो वो 2017 में रिपीट होगा 2007 वाला 18 में रिपीट होगा 13 वाला 19 में रिपीट होगा बिल्कुल अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है 2020 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है 2020 क्या है दोस्तों एक लीप ईयर है अभी हमने सीखा है दोस्तों लीप ईयर जब भी हमें दिया है तो वो आपका 28 साल बाद में या फिर 28 साल पहले रिपीट होता है या तो 28 साल बाद में रिपीट होता है या पहले रिपीट होता है अट्ठाईस साल बाद की करें तो आता है दो दोस्तों और अट्ठाईस साल पहले की बात करें तो आता है 1992 नाइन्टी टू यहाँ पे ये कैलेंडर रिपीट हुआ था ये ऑप्शन में आपको गलत दिया है ये गलत है दोस्तों ऑप्शन सारे गलत है यहाँ पे या तो 2048 होता तो हम राइट करते 1992 होगा तो राइट करेंगे लिए चलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दो का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा बिल्कुल हमें पता है दोस्तों दो से जस्ट पहले आता है दो और ये क्या था हमारा लीप ईयर था क्या था लीप वर्ष था लीप वर्ष जब भी आता उसके तुरंत बाद कोई भी ईयर दिया है दोस्तों तो वो कितने साल बाद में रिपीट होगा दोस्तों छः साल बाद में मतलब कि दो में ये रिपीट होगा दो हजार तेबीस सत्रह और छः तेईबीस हो गया दो हजार तेबीस में ये कैलेंडर रिपीट होगा लीप ईयर के तुरंत बाद में अगर कोई भी वर्ष दिया है दोस्तों तो छः साल बाद में रिपीट होगा लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों आपको बोला इसने वैन विल द 2006 कैलेंडर बी रिपीटेड क्या बोला 2006 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा हमें ये बताना दोस्तों तो 2006 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा बिल्कुल 2006 से पहले कोई भी लीप ईयर नहीं आता 2005 लीप ईयर नहीं है तो जब लीप ईयर नहीं आता है तो वो 11 साल बाद में रिपीट होता है मतलब कि 2017 के अंदर ये साल रिपीट हो जाएगा दोस्तों 2017 में ये साल रिपीट होगा ये वर्ष रिपीट होगा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा तो दोस्तों इसी तरह हमारे क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर के अंदर और कैलेंडर का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों जितने टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा इस क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों लाइक करना नहीं भूलें जरूर क्लास को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए थैंक यू दोस्तों Like, share, subscribe, digital tayari!